हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर के आपका ओल्ड पेपर है पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला आपका सेक्शन, जो कि पहले सेक्शन में आपका तीन सेक्शन में डिवाइडेशन रहता है पेपर। पहले सेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिन बच्चों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ा है वो इस पेपर को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर पहला है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो चूज़ द करेक्ट आंसर में पहला है आपका, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हो, द इक्वेशन इज सॉलिड टू विद द लाप्लास इक्वेशन इफ़ द लाप्लास इक्वेशन लाप्लासियन ऑफ स्केलर फील्ड रिजल्ट इन टू। तो जो चारों ऑब्जेक्ट में आपके जो भी सही होगा उनको आपको टिक करना है, जीरो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इनफाइनाइट। सेकंड आपका ऑब्जेक्ट है पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन कैन बी इजिली ड्राइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ। तो जो भी लॉ होगा उसको आपको टिक आउट करना है। थर्ड आप ऑब्जेक्ट सेम लिख सकते हो, ठीक है ना। एक बार बोल देते हैं, द पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज। तो जो भी होता है इसको आपको टिक आउट करना है। आपका अगला क्वेश्चन है द एंड ए एंड बी ऑफ अ रूट रॉड ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ आर द की 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंटिल स्टडी स्टेट प्रिवेटेंस, व्हाट इज द कंडीशन यू एक्स जीरो। तो यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की सहायता से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, फिर हमें इसको टिक आउट करना है। अगला ऑब्जेक्ट है आपका द वेव इक्वेशन इज नॉन एज, वेव इक्वेशन किसके नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है। फिर है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेजी स्टेज बिहेवियर टू हीट फ्लो द टू डायमेंशनल। तो क्या होता है इसको आपको टिक आउट करना है। अगला है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जो दिया गया है ये आपका क्या है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। तो सारे इक्वेशन आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हों, नए हों, तो आप एमएससी थर्ड सेमेस्टर से प्लेलिस्ट आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन आराम से बन जाएगा, जिसकी हमने काफ़ी वीडियो पहले ही बना दी है। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो पहला आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट से पूछा गया है, डिफाइन ए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, इसके अथवा में है डिफाइन अ टू डायमेंशनल ऑफ अ लाप्लास इक्वेशन। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ क्यू इज हार्मोनिक फंक्शन इन रियल एंड डेल क्यू अपॉन डेल एन इज इक्वल टू जीरो इन डेल आर, देन क्यू इज द कॉन्स्टेंट आर, ठीक है। इसके अथवा में है डिफाइन मीन वैल्यू फार्मूला को प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है राइट द हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशन, इसके अथवा में है डिफाइन, इसको दिख नहीं रहा है, न्यूमेरिकल कंडीशन, ठीक है। अगला है राइट एलिमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ द डिफ्यूजन इक्वेशन, इसको लिखना है। फिर है यूनिट फाइव का आपका राइट डी एल्बर्ट सॉल्यूशन विथ इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम। फिर है इसके अथवा में राइट ए वेव इक्वेशन विथ नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये थी आपके शॉर्ट आंसर। अब हम लॉन्ग आंसर को देख लेते हैं। आपके पांच लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका पांच अंक का रहेगा, ठीक है। पहला आपका यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन को लिखना है और उसी को हमें प्रूव करना है। इसके अथवा में स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इसको हमें लिखना भी है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और हमें प्रूव करना है। इसके यूनिट सेकंड का आपका क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ मीन वैल्यू फार्मूला, इसकी हम अलग से वीडियो भी बना देंगे मीन वैल्यू फार्मूला की। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट टाइप में भी लिखने को पूछा गया है और लॉन्ग टाइम में इसका प्रूफ पूछा गया है। यूनिट थर्ड में बात करते हैं सॉल्व द वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन इन द रीजन एक्स की वैल्यू आपकी जीरो और पाई के बीच में है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कंडीशन। यहाँ पर पहला है आपका टी रिमेंस फाइनाइट एस टी बिलोंग्स टू इनफाइनाइट। सेकेंड है टी इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड पाई फॉर ऑल टी। थर्ड आपका है एट टी इक्वल टू जीरो, टी आपका फर्स्ट वैल्यू है आपकी एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो और पाई बाई टू के बीच में है। सेकेंड है आपका पाई माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू पाई बाई टू और एक्स के बीच में है। इसके अथवा में ड्राइव एलिमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ द डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक है। यूनिट फोर में बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका पीडीएफ फॉर्म में दी गई है, डेल टी अपॉन डेल डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इक्वल टू अल्फा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन टी जीरो टी इक्वल टू जीरो टी टेन ऑफ टी इक्वल टू 100 इसके अथवा में स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर कॉसी प्रॉब्लम यूनिट 5 में है। ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इसके अथवा में आपका सॉल्व द फॉलोइंग इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द वेव इक्वेशन कॉसी प्रॉब्लम डिस्क्राइब द होमोजीनियस कंडीशन और ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन का पेपर। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहे हैं बट हमने बोलकर दिख दिया है, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।